गुजरात के सूरत में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सचिन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अब तक इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। वहीं इस मलबे में 6 से 7 लोगों के फंसे रहने की आशंका है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग ने बचाव अभियान चलाया है। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कंफर्म किए थे और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। नहीं, वो हम एनडीआरएफ से बात कर रहे हैं, हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहे हैं, काम चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ मलबे को हटाने का काम कर रही है। अभी प्री मानसून सत्र को देखते हुए एनडीआरएफ का एक टीम ओलपाड़ सूरत में डिप्लॉयमेंट पहले से ही था। कल हमको 84 मामलादार श्रीमान पारितोष जी से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और उसमें कुछ विक्टिम्स फंसे हुए हैं। तो हम तुरंत यहाँ आए और हम 4:30 बजे के लगभग पहुंचे और तभी से कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। 7 विक्टिम्स अभी तक रिट्राइव किए गए हैं और अभी जैसा आप देख रहे हैं कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक फायर डिपार्टमेंट द्वारा लाइव विक्टिम भी हमारे आने से पहले एक रिट्राइव कर लिया गया था और अभी कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक लाइव विक्टिम और 7 विक्टिम्स निकाल लिए गए हैं। अभी कितने फंसे होंगे वो तो क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन अभी ऑपरेशन चालू है, अगर और भी हो सकता है संभावना जताई जा रही है। मलबा हटाने में और कितना वक्त लग सकता है? मलबा हटाने में तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 2-3 जेसीबियां चल रही हैं, अभी जल्दी काम खत्म होने की संभावना है। बता दें कि इस घटना के समय इमारत में 30 फ्लैटों में से 4-5 फ्लैटों में ही लोग रह रहे थे जबकि बाकी खाली पड़े थे।